स्टूडेंट आपका फिर से नए वीडियो में वेलकम है। इस वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो 13 नंबर क्वेश्चन है, इस ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको पीछे करा दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास दो समीकरण है। एक तो दिया है 3x² + px - 8 = 0 दिया है, और एक दिया है 4x² - 2px + k = 0। हमें कह रहा है कि जो समीकरण दिया हुआ है पहला वाला, उसका मूल मतलब 2 है। मूल का मतलब होता है यानी x की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे दो द्विघात समीकरण उसके मूल बराबर हैं, तो कह रहा है k का मान आप बताइए। तो इसमें बहुत ईजी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे जो पहले समीकरण है उसमें हम x के बराबर 2 रखेंगे, और जब 2 रखेंगे तो हमारा p की वैल्यू निकल जाएगा, और जब p की वैल्यू निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में p की वैल्यू रख देंगे, और उसका क्या करेंगे, जब मूल बराबर है तो उसके विभेदकर को हम बराबर दिखाएंगे, और वहां से हमारा k का मान इजीली निकल जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला समीकरण है हमको दिया है, यहां पे लिख लिए हैं, और लिखते हैं x बराबर 2 रखने पर क्या करना है, हमें x की वैल्यू 2 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि देखिए हमको मूल दिया है, मूल का मतलब होता है जो x है उसका मान हमको दिया हुआ है। तो यहाँ रखिए तो क्या मिलेगा, तो 3 × x की जगह पे हो जाएगा 2 × 2² + k आपको क्या हो जाएगा p × फिर यहाँ भी देखिए x है तो 2 - 8 = आपको 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 × 2² कितना हो जाएगा 4 प्लस इसको 2p लिख सकते हैं -8 = 0। यहाँ देखिए स्टूडेंट 4 तक कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 2p - 8 = 0, और हम क्या करते हैं 12 में से 8 को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो देखिए 2p माइनस का तो आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि 12 प्लस है, तो 12 में से 8 जब आपका घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 4 = 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2p को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, और 4 मेरा प्लस इस पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और 2 गुणा है इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग, यानी p की जो वैल्यू हो जाएगी -4/2 यानी -4/2। तो देखिए ये कट जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, पी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 हो जाएगी, वैल्यू हमारा निकला स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, जो दूसरा समीकरण दिया इसमें हम पी की वैल्यू रखते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x² - 2px + k = आपका दिया है 0। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके जो मूल है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो आपको क्या करना है, या तो चाहे तो आपकी पी की वैल्यू यहाँ पे रख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट चूंकि मूल बराबर है लिखिएगा, चूंकि मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है, तो जब मूल बराबर होते हैं तो d की वैल्यू यानी विभेदकर का मान क्या होता है 0 होता है, और d का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0। b की वैल्यू देखिए x का जो गुणांक होता है हमारा b होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p² - क्या हो जाएगा 4 × a की वैल्यू देखिए x² का गुणांक क्या है 4 है, और हमारा क्या होता है c यानी अचर पद हमारा क्या है k = 0, और यहाँ देखिए 2 × p की वैल्यू कितना आया, यहाँ पे p की वैल्यू हम भर देते हैं तो p की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे -2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, और पूरे का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4 × 16 k = 0 हो जाएगा स्टूडेंट। और देखिए ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे चूंकि -4 होगा तो माइनस का करिए चाहे प्लस का करिए हमारा क्या हो जाएगा प्लस में ही आता है स्क्वायर, तो 16 - 16 k = 0 इधर हो जाएगा -16 k = -16 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इस पक्ष में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, और k की जो वैल्यू हो जाएगा 16 / क्या हो जाएगा 16, देखिए इधर 16 है और ये 16 गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी कट के क्या हो जाएगा 1, यानी k की वैल्यू यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट इजीली ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं पर मिलता। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।